जापान एक ऐसा देश जहां पर अगर आपको काम करते समय थकान महसूस हो तो आप ये काम कर सकते हैं। जी हाँ, इस देश पे दो दो न्यूक्लियर अटैक होने के बाद भी ये देश दुनिया के टॉप देशों में सबसे आगे है। हवा से भी तेज दौड़ती बुलेट ट्रेन इस देश का अभिमान है। साफ सुथरे शहर, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, यहाँ की खूबसूरत लड़कियाँ, यहाँ का कल्चर के बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके फिर चलते हैं जापान की सैर पर। ये देश एशिया महाद्वीप के प्रमुख देशों में से एक है और ये चार बड़े द्वीपों के समूह से बना है। इस देश की कुल आबादी 13 करोड़ के आसपास है। इस देश में सिर्फ 2% लोग ही बाहर यानी अन्य देशों से आए हैं। इसके अलावा 98% लोग जापानीज है। देश की ऑफिशियल लैंग्वेज है जापानीज और जापानीज भाषा के अलावा ओकिनावा और कागोशिमा द्वीपों के कुछ हिस्सों में रगुवान भाषाएं बोली जाती हैं। जापान को एशिया का सबसे विकसित देश माना जाता है। यहाँ के लोगों की गिनती दुनिया के उन लोगों से की जाती है जो सबसे ज्यादा सफल है। यहाँ हर कोई सिर्फ काम ही करना चाहता है और यहाँ पर सिर्फ 4% लोग ही बेरोजगार है। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के मामले में जापान दुनिया में पहले स्थान पर आता है। जापान की एक बात और जो कि बहुत अच्छी है कि इस देश में 50,000 से भी ज्यादा लोग 100 साल के हैं। जापान में मोटा होना गैर कानूनी है। इस कानून को जापान में मेटाबो लो कहा जाता है, जिसके अनुसार देश में 40 साल से ज्यादा उम्र के पुरुषों के कमर 33.5 इंच से ज्यादा और औरतों की 35.4 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर जापान के लोग बिना रुके घंटों काम कैसे कर लेते हैं? इसका जवाब है यहाँ की सर्विसेज। दरअसल जापान के लोग जिस तरह से मेहनत करते हैं उसी हिसाब से यहाँ की सरकार अपने लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान भी रखती है। जापान में कडल कैफे का बहुत बड़ा मार्केट है जो अपने देश के लोगों की थकान मिटाने का काम करता है। देश में आपको कई जगहों पर कडल कैफे देखने को मिलेंगे। इन कैफे में लोग आराम कर सकते हैं, साथ ही अपने पार्टनर या दोस्तों से कडल थेरेपी लेकर अपनी थकान को दूर कर सकते हैं। जापान के लोग कुछ अंधविश्वास को काफी ज्यादा मानते हैं। यहाँ चलते हुए खाना सबसे अशुभ माना जाता है और पब्लिक प्लेस पर जोर जोर से बातें करना या किसी भी चीज को सूंघना भी जापानी सबसे बड़ा पाप मानते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ दो लोगों का हाथ पकड़कर साथ चलना भी अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन इस देश में बिल्लियों को पालना सबसे शुभ माना जाता है। तभी तो जापान में बिल्लियों की संख्या है। सबसे ज्यादा इस देश में आपको लगभग हर व्यक्ति के पास काली बिल्ली देखने को मिल जाएगी। काली बिल्ली के बारे में जापानी लोगों का मानना है कि ये उनके लिए एक अच्छा भाग्य लेकर आती है। जापान में अगर लोग खुद को अकेला महसूस करते हैं तो ऐसे लोगों के लिए अलग से तकिए बनाए गए हैं। ऐसा तकिया जो लोगों को अकेला महसूस नहीं होने देता। ये तकिया महिला के शरीर और पुरुष के शरीर के आकार के जैसा होता है, जिन लोगों को अपने अकेलापन को दूर करने के लिए खरीदते हैं। जापान की संस्कृति पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ की परंपराएं हैं इस देश की सबसे बड़ी पहचान। यहाँ के लोग एक दूसरे से मिलते समय हाथ नहीं मिलाते, सिर्फ सर झुकाकर ही यहाँ पर एक दूसरे को ट्रीट किया जाता है। जो जितना ज्यादा सम्मानित होता है उसके प्रति उतना ही ज्यादा झुका जाता है। कहा जाता है कि ये हैबिट स्टूडेंट्स को दूसरों की मदद करना और अपने परिवेश का सम्मान करना सिखाता है। शायद यही वजह हो सकती है यहाँ की सरकार अपने देश के बच्चों पर पढ़ाई का ज्यादा प्रेशर नहीं डालती। जापान में ऐसा कानून भी है जिसके तहत बच्चों को 10 साल की उम्र तक किसी भी तरह की कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ती। इन 10 सालों में उन्हें बचपन की जिंदगी का मजा लेने का मौका दिया जाता है। और जापान देश खाने का काफी ज्यादा शौकीन है। इस देश में फेमस रेस्टोरेंट है, बार्स है और कई होटल्स है जो एक से बढ़कर एक लाजवाब डिशेस खाने को मिलती है। जापानीज और चाइनीज खाना जापान में काफी ज्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन यहाँ की ऑक्टोपस आइसक्रीम सबसे ज्यादा पॉपुलर है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। ऑक्टोपस तो वैसे सी फूड में आता है जो समुद्री भोजन पसंद करने वालों को काफी अच्छा लगता है, लेकिन इसकी बनी आइसक्रीम सुनने में काफी अजीब है। अगर आपको खाने में एक्सपेरिमेंट करना पसंद है तो आप ऑक्टोपस आइसक्रीम को जरूर ट्राई कर सकते हैं।